प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के महंत आशीष गिरी ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महंत आशीष गिरी बीमारी को लेकर काफी परेशान रहते थे। पता चला है कि उन्हें ज्यादा शराब पीने की भी लत थी। ज्यादा शराब पीने के कारण महंत आशीष गिरी का लीवर खराब हो गया था, जिसके कारण महंत ने खुद को गोली मार ली। जैसे ही ये जानकारी अधिकारियों को मिली तो आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और उन्होंने मामले में जांच का आदेश दिया। ये देखिए, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के महंत आशीष गिरी जी महाराज थे। इन्होंने आज सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में अपने कक्ष में, अखाड़े के अंदर ही अपने कक्ष में, अपनी जो लाइसेंसी पिस्टल थी उससे गोली मार लिया है अपने माथे पर, और इसके बाद इनकी डेथ हो चुकी है। हम लोग इनको पंचायतनामा की कार्रवाई हो रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, और जो जानकारी की गई यहाँ तो ये पता चला कि इनका लीवर बीमारी के कारण पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। जो इनके कक्ष से पैथोलॉजी रिपोर्ट मिली है, डॉक्टर्स की रिपोर्ट मिली है, वो भी इसी को इंगित करती हैं कि लीवर ऑलमोस्ट डैमेज हो चुका था पूरी तरीके से, जिससे ये काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहते थे और विगत 5-6 दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसीलिए ये घटना कारित की गई लग रही है, और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। बीमारी से ऊपर इन्होंने, हाँ, फिलहाल बीमारी से ही ऊपर किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बताया कि वो शराब पीने के कारण तनाव में रहते थे। उनकी मौत से काफी दुख हुआ है। क्या पूरा मामला है? देखिए, आज पंचायती अखाड़ा चंद्रंजनी जो हमारा भी अखाड़ा है, हम भी उसी गाड़ी के महात्मा है, तो प्रातः यह समाचार मिला कि आशीष गिरी जी ने अपने को गोली मार के आत्महत्या कर ली। हम लोग यहाँ आए, उनको देखा तो उनके शरीर मृत पड़ा था। कारण यह है कि वो बीमारी से बहुत तंग थे, दारू पीते थे, शराब पीते थे। हम लोगों को जानकारी तब हुई जब मैक्स में भर्ती हुए है, और इनका हाथ कांपना, शरीर कांपना, लीवर खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने कहा इनको समझाइए कि दारू मत पिएंगे, पर समझ नहीं आया और तनाव में रहते थे। लीवर खत्म होने के कारण, बीमारी के कारण, मुझे लगता है कि तनाव में रहने के कारण वो आज अपने को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। किसने गोली मारी? क्या वो लाइसेंसी है? जी, उनके नाम लाइसेंसी असलाहा है, पिस्टल है, वो उनके कमरे में रहती थी और उसी से मारे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के बाद प्रयागराज के संत समाज में शोक का माहौल है। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।